is when you think that you've lost. Oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. तो हमारे रवाई एरिया में ये कल्चर है ना कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो दाल के पकौड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर अभी सारे गांव की औरतें आ रखी है, पूरे गांव की औरतें, और वो अभी पकौड़े बना रही है। और यहाँ पकौड़े मतलब खाने के पर्पस से और पूजा के पर्पस से बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूजा के लिए पकौड़े ही बनाए जाते हैं सबसे पहले, इसीलिए यहाँ पकौड़े बनाए जा रहे हैं। और ये लोग अभी मांगल गीत गा रहे हैं। और अभी यहाँ से दूल्हे और बाराती जा रहे हैं, क्योंकि बारात दूर से थी हिमाचल साइड से, इसीलिए ज़्यादा लोग नहीं आए हैं यहाँ पर। और ये है यहाँ का कुछ नज़ारा। और अब यहाँ पर बाराती डांस कर रहे हैं। Bride's entry. और यहाँ पर दोनों तरफ से काफ़ी कोशिश की जा रही है, लड़की वाले जूते चुराने में लगे हुए हैं, लड़के वाले जूते बचाने में लगे हुए हैं, देखते हैं कौन जीतता है। और ये अरे रे, एक जूता एक के पास, एक जूता एक के पास, अब ये डील कैसे करेंगे इसके साथ। और अभी यहाँ पर हो रही है हल्दी हाथ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फेरों के लिए, तो चलिए फेरे देखते हैं। और यहाँ पर अभी प्रिपरेशंस चल रही है, जो भी थोड़ी बहुत बची है। और यहाँ पर दूल्हे और दुल्हन की एंट्री हो गई है। और ये शादी जो है यहाँ पर सुबह के टाइम फेरे हो रहे हैं, ये बात खैर मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब इतना रश नहीं होता, नहीं तो रात के टाइम बहुत रश होता है। और ऐसी शादी इस एरिया में बहुत सालों बाद हो रही है। और अभी यहाँ पर फेरे स्टार्ट हो गए हैं। गिफ्ट्स एंड फोटोशूट्स। और अब यहाँ दूल्हे और दुल्हन को बैठाकर जो उन्होंने सात फेरों में सात वचन लिए थे उन्हें समझाया जा रहा है और उनका एग्रीमेंट किया जा रहा है। और अब दूल्हा दुल्हन के मांगने से दूर होने वाला है। और अब यहाँ पर
कि सनातन में काउस को काफ़ी सेक्रेड और होली माना जाता है, इसीलिए गुड लक, शायद गुड लक में होता है ये, और प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस इन सब के लिए। पर पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों खाना टेस्ट करेंगे, यानी पहले पकौड़े, थोड़े थोड़े पकौड़ा खाएंगे और एक दूसरे को भी टेस्ट कराएंगे। अब काल्फ की पूजा करेंगे। और जब तक दूल्हे और दुल्हन वहाँ पर नहीं थे, हम कुछ पेट पूजा करने आ गए थे, पर लगता है अब हमें जाना होगा। अच्छी बात है, मैंने खाना खा लिया था, और अब क्योंकि विदाई हो रही है तो लेट्स गो। और ये है डोली जिसमें दुल्हन बैठ के जाएगी आधे रास्ते तक, फिर उसके बाद वो गाड़ी से जाएंगी ऑब्वियसली। पर उससे पहले दूल्हे और दुल्हन कुलदेवी माता के दर्शन करके आ रहे हैं। Thanks for watching and please do subscribe our channel, hit the bell icon.